मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक मुस्लिम पत्रकार ने हिंदू धर्म अपना लो बाकायदा पूरे रीति रिवाज से, और अब शेख जफर बन गए हैं चेतन सिंह राजपूत। दरअसल शुक्रवार को मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में विधि विधान से धर्म परिवर्तन कराओ गो शेख जफर को। धर्म परिवर्तन के लाने विशेष तौर पर मुंबई से महामंडलेश्वर चिदंबरानंद जी सरस्वती मंदसौर आए और उनने शेख जफर को कुंडली के अनुसार नव नाम दाओ। हिंदू धर्म अपनावे के बाद अब शेख जफर चैतन्य सिंह राजपूत के नाम से जाने जे हैं। दरअसल शेख जफर बचपन से ही हिंदू धर्म से प्रभावित थे और यही से उनने विवाह भी हिंदू कन्या से करे तो, और उनके अपने घर पे मंदिर भी बने हैं और नवरात्रि के दिनों में घट स्थापना भी होत है। धर्म परिवर्तन करने वाले शेख जफर को कहवो है कि वे शुरू से ही सनातन धर्म को पालन कर रहे थे, सिर्फ नाम परिवर्तन करवाने तो जो अब विधि विधान से कर लो है। स्वामी पूज्य स्वामी श्री चिदंबरानंद जी मुंबई से पधारे हैं और साथ में आए पंडित जी ने पूरे विधि विधान से मुझे सनातन में प्रवेश करवाया है और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कब से आने से प्रभावित? मैं बचपन से ही था और घर में मंदिर भी है, रोज पूजा पाठ भी करता हूँ, मंदिरों पर भी जाता था, पूरा सनातन का ही पालन कर रहा था। अब पूरे विधि विधान से मैं पूरी तरह सनातन में आ गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड पर जो भी मनुष्य के रूप में पैदा हुआ वो सभी सनातनी थे, उन्हें धर्म परिवर्तन करके उन्हें जोर जुल्म के या किसी भी तरीके से उनसे धर्म चेंज करवाया होगा, बाकी सब सनातनी थे। नाम भी परिवर्तन किया गया? हाँ। नाम क्या दिया गया? चैतन्य सिंह राजपूत। अब इस नाम से कितना संतुष्ट? मैं पूरी तरह संतुष्ट, कुंडली का निकला हुआ नाम है, कौन संतुष्ट नहीं होगा। अब जो समाज है आपका वो कहीं ना कहीं अगर विरोध करता है तो? ये समाज के ऊपर है, वो चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन विरोध करने वाली कोई बात ही नहीं है। सीधी सी बात है, आज़ाद देश में रहता हूँ, स्वतंत्र हूँ कि मैं किसको किस धर्म को मानूँ किसको नहीं मानूँ। भाई कोई और मानता है, मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ, अगर मुझे कोई कुछ बोलता है तो ये गलत है, मेरी इच्छा है। धर्म परिवर्तन को लेकर किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती दबाव वगैरह? नहीं नहीं, ये तलवार से किया हुआ धर्म परिवर्तन नहीं है, मेरी इच्छा का है, मेरी इच्छा से किया। धर्म परिवर्तन के एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी शामिल भए और सब ने मिल के बधाई दी नए नवेले चेतन सिंह राजपूत को। जो व्यक्ति प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया पर अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे, वे समझदार हैं, सूझबूझ वाले हैं। कल तक जफर शेख अपनी भूमिका में थे, अपने धर्म को लेकर के चल रहे थे, मुस्लिम धर्म के उपासक थे, लेकिन मैं जफर भाई के बारे में कह सकता हूँ कि वो मुस्लिम होते हुए भी जिस प्रकार से हिंदू की समाज की जो मान्यता है, जो संस्कृति, विशेष करके नवरात्रि के पर्व पर नवरात्रि के 9 दिन के उपासने करते थे, मैं तो उनके घर पे भी गया और उनके घर में यदि मंदिर है तो उस मंदिर में शिव के उपासक थे। और आज जब उनके मन में आया और मुंबई के महामंडलेश्वर सरस्वती जी चिदंबरम सरस्वती जी स्वयं चल करके आए हैं, स्वामी जी ने ही महामंडलेश्वर जी ने नया नाम दिया है, चेतन सिंह राजपूत के नाम से अब ये जाने जाएंगे। अब एक साल में कीजिए MPPSC की पूरी तैयारी। मध्य प्रदेश के सबसे सफल टीचर लक्ष्मी शरण मिश्रा जी के मार्गदर्शन में ज्वाइन कीजिए MPPSC सुपर 100 बैच। एडमिशन होंगे केवल 6 जून 2022 को, फीस है केवल ₹36,000। कॉल करें 7747068666 पर। श्रीजी साइन बोर्ड, LED बोर्ड, स्मार्ट LED बोर्ड अब आपके शहर सागर में। संपर्क 9752985555।